बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राडियों के मतलब है जी, फ्राडियों के मतलब, जो भी बंदा आपसे फ्राड करता है इनके ऊपर जो 50,000 रियाल का फ़ाइन है, 3 साल की कैद है सऊदी अरेबिया में, ठीक है जी। वैसे बेसिकली मैं भी आपके साथ नंबर शेयर करता हूँ, यहाँ पर आपको नंबर दिखा भी रखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतार पेपर और रूल पेपर के मतलब काम कर रहा हूँ, और कोई भी किसी किस्म का आपने कोई मशवरा वगैरह लेना है या किसी मसले के ऊपर इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी फीस है जी व्हाट्सएप के ऊपर, वो लेता हूँ, और अगर आपने खरूज या मतार का पेपर निकलवाना है तो वो उसके मतलब जो उसकी फ़ीस है वो लेते हैं जी, ठीक है जी। अभी मैं ये आपको क्यों बता रहा था, अभी मैं फ्राड करूँगा आपके साथ तो मैं भी इसी ज़ुमरे में आऊँगा जी, ठीक है जी। अगर आपको लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं करते हैं, मैंने पेपर निकाल कर दे रखा हूँ, शायद आपके साथ वीडियो वो शेयर कर दी है मैंने, मेरा ख्याल कर दिया या आज ही हो जाएगी आपके साथ, तो वो बात मेरा ख्याल अगर आपको कर दी आपके साथ वो वीडियो शेयर मैंने, तो बात ये है जी कि मुकम्मल आपको सबूत प्रूफ के साथ जिन बंदों के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल कर दे दिए हैं, तो बात ये है जी, 50,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद है, ये तमाम उन फ्राडियों के ऊपर है जो आपको कोई भी किसी किस्म का धोखा दही देते हैं। मिसाल के तौर आपका बहरहाल जी उसमें एक कागजी कार्रवाई हो कि हाँ जी मैंने इसको इतने पैसे दिए, उसने साइन किए, आपने किए हो जी इस चीज़ के लिए दिए, बाद में आपका काम ना करे इस चीज़। अच्छा, ये कुछ चेक आपको दे देता है, वो चेक भी अगर वो फेक दे देता है आपको, तो उसके ऊपर भी उनको, उस बंदे को भी 50,000 रियाल फाइन और 3 साल की कैद होगी, ठीक है जी, और आपके पैसे भी आपको मिलेंगे। और दूसरी बात ये है जी कि मिसाल के तौर पर आप जवाजात मकतबे अमल या किसी मकतबे सदात वाले के पास चले जाते हैं, उससे कोई भी किसी किस्म की आप फीस पे करते हैं तो एक रसीद ले लें, वो आपके पास सबूत होता है, रसीद ले लें वो अपने पास रखें, बाद में खुदा ना खवास्ता अगर वो बंदा आपका काम नहीं करता है तो आप किसी भी शुरते खाने में जाकर ये क्लेम कर सकते हैं और उसके ऊपर 50,000 का फाइन और 3 साल की कैद होगी उस बंदे को, ठीक है जी। तो ये एक अच्छी चीज़ है तमाम फ्राडियों के लिए, जैसा कि हरूब के मतलब आपको पता ही, अभी ज़्यादातर सूरत चल रही है, तो जो फ्राडी हैं वो भी सब कुछ सरगर्म हैं, इनसे बचकर रहें, अगर कोई खुदा ना खवास्ता ऐसा मसला होता है तो क्लेम करें।